शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कुंडली मिलन। तो जिया जी का फोन पे फोन आने लगेगा। लौट कर देखेंगे क्या करना है इसका। बिहारी जी छूट ना बुलवाएं। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। सारा मेकअप खराब हो गया। जल्दी आ। कोई ना कोई रायता फैलाते ही हो। अंजलि तुम ठीक हो ना? अंजलि बिटिया चोट लगी क्या? कुछ नहीं लाला जी, वो हम आ रहे थे ना तो पैर मुड़ गया था, लेकिन अब हम बिल्कुल ठीक है। थैंक यू यश जी। धन्यवाद यश बेटा। वो पंडित जी कह रहे हैं कि लाइट आने तक जो है वो शादी की रस्में शुरू नहीं होंगी। बेटा तू अपने कमरे में बैठ, हम तुझे बुला लेंगे। अच्छा ये मोमबत्ती लेके जा। यश जी आप मेरे साथ आइए। अरे हिमांशु मेरा पता कर बिजली का कब तक आएगी? हाँ मैं जनरेटर देख के आता हूँ। बेटा तू बैठ यहाँ पे ना। जी मैं आता हूँ। अभी तक तो शादी की रस्में भी शुरू नहीं हुई और ये झमेले शुरू हो गए। चिंता मत करो उमा भाभी, चाहे जो भी हो जाए ये शादी तुम्हें करवा के ही रहूंगी। यमराज भी आ जाएंगे ना तो उन्हें बोलूंगी बगल में बैठ कर देखो ये अनोखी शादी। शादी संपन्न हो जाए साथ ले जाना इस अंजलि को। हाँ
अरे यहाँ अंधेरा क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, शादी हो गई क्या? दिखाई नहीं दे रहा, लाइट चली गई है। और पंडित जी ने कहा है कि जब तक लाइट नहीं आएगी ना, वो रस्में शुरू नहीं करेंगे। हैं? कहीं भीतर में जाकर बैठ गया था, इतनी देर से पहुंचा। अरे तैयार क्या बताऊं? पल्लो को पता चल गया है कि जो भी लड़की यश से शादी करेगी वो 90 दिन के अंदर मर जाएगी। वो तो अंजलि की शादी रुकवाने यहाँ आ रही थी। अरे बड़ी मुश्किल से उसके हाथ पैर बांध के स्टोर रूम में बंद करके आया हूँ। हे भगवान, बस किसी तरह से ना ये शादी हो जाए बस। और किसी की नहीं, सिर्फ हमारे घर की लाइट गई थी। मैंने फ्यूज चेक किया, पूरी तरह जल गया था। ये भी आज ही होना था। वैसे मैंने इलेक्ट्रिशियन को फोन कर दिया, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। जनरेटर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, लगता है तेल खत्म हो गया। शायद ही लाइट जाती है कभी, इसलिए ध्यान ही नहीं गया उस तक। पता होता तो तेल भरवा के रख लेते। इमरजेंसी लाइट जला के शादी करा देते हैं। एल्सा, कैसी बात कर रही? इमरजेंसी लाइट जलाकर कौन शादी करता है? भाभी, वो इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, फ्यूज ठीक कर देगा। नहीं हिमांशु, हमारे पास दिवाली वाले दिए स्टैंड है ना, जब तक फ्यूज ठीक नहीं होता है तब तक दिए जला लेते हैं। हाँ। क्यों माजी? ठीक है, चलिए हिमांशु। पैर मुड़ गया था ना तेरा, दर्द हो रहा होगा? नहीं, इतना दर्द नहीं है भाई। कौन सा पैर है? माई नहीं, पछताने से अच्छा है कि पहले ही संभल कर चल। हम जानते हैं भाई, भले ही ये शादी 90 दिन के लिए हो रही हो, लेकिन हमारे जाने के बाद बहुत याद करोगी, है ना? हम क्यों याद करेंगे तुझे? अभी अभी तूने ही कहा ना कि सिर्फ 90 दिन की तो शादी है, तो क्यों याद करेंगे?
लेकिन इस 90 दिन में भी हमें आपकी बहुत याद आएगी माई, बहुत याद आएगी। तरह अंजलि दीदी को रोकना होगा। यश भैया से उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। इसके पहले कि आप कोई और पंगा हो चीची, किसी तरह ये शादी नहीं पड़ जाए बस। पता नहीं ये लाइट कब आएगी। कैसे पहुंचूं अंजलि दीदी के पास? अगर यहां से गई तो ये करुणेश मामा कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी जरूर करेंगे। हे भगवान, किसी ना किसी तरीके से अंजलि दीदी तक जाना होगा। कैसे जाऊं? पल्लों की बच्ची तो यहां भी पहुंच गई। काफी रोशनी हो चुकी है, हम लोग शादी की रस्में शुरू कर सकते हैं। अंजलि, अंजलि, अंजलि जल्दी आ जा। चल। चला जा।
कोई है क्या? क्या हुआ माए? हमें लगा कि बाहर कोई है। अरे कौन होगा? चल ना अंजलि, तुझे यूं ही लगा होगा। माए बस एक बार देख लेते हैं ना। बहू जी कब से बुला रही है तुझे, चल ना। माए पक्का कोई छत की तरफ गया है, हमें लगता है कोई चोर होगा। हम अभी देख कर आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। अंजलि अंजलि सुन, क्या कर रही है वहाँ मंडप पे? सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। माई बस दो मिनट, हम अभी देख कर आ जाएंगे, बस दो मिनट। किशोरी अंजलि कहाँ है? कह रही थी कि छत पे उसने किसी को जाते हुए देखा है। किसी को देखा? सुबोध चलो हम भी देखते हैं। घबरा मत, घबरा मत है? हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, बस तू एक वादा कर, तू किसी के सामने अपने मुंह नहीं खोलेगी। हाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती मामा। पूनम की तरह अंजलि दीदी को नहीं मरने दूंगी मैं। पलो पलो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको उम्र कैद की सजा दिलवा कर रहूंगी कंस मामा। पलो देख, आखिरी बार समझा रहा हूँ, देखो मुहूर्त तक करेगी तो बहुत पछताएगी। पलो आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे। बिहारी जी झूठ ना बुलवाएं, किसी को पता चल गया तो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। अरे अब क्या हो गया, किसे क्या पता चल जाएगा? अरे बहुत गड़बड़ हो गई उमा चीची, बस पूछो मत। तेरा पेट खराब है क्या? नहीं ताई जी, खबर सुनोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे पल्लो स्टोर रूम से छूट कर यहाँ पहुँच गई है। गुलकंद के पापा गए हैं उससे रोकने, लेकिन अब अंजलि भी मंडप में आने के बजाय उधर ही चली गई है। और तो और सुबोध भाई सब भी मां छोटी की सबसे तरफ गए हैं। जरा सोचिए बोल खुल गई तो क्या होगा हम सबका। अलका इधर आ, अलका भाभी क्या हो गया? अलका रानी मोर्चा संभाल ले वरना पासा पलट जाएगा। अरे अलका भाभी कसम हो गया, पल्लो यहाँ पहुंच गई है और अंजलि को शक हो गया कि कोई छत की तरफ गया है और वो उसके पीछे पीछे ऊपर गई है। और तो और उसके पीछे पीछे सुबोध भाई साहब और हिमांशु जी भी ऊपर ही गए हैं। और अगर पल्लो ने कुछ बता दिया तो ये शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं। जब तक ये शादी नहीं हो जाती ना तब तक हम चैन की सांस नहीं ले सकते। ताई जी आप यहाँ रुको, मैं और उमा भाभी ऊपर जाके संभालने की कोशिश करते हैं। चलो तू जितना कहेगी ना उतना मिलेगा तेरे को, मुंह बंद रखना पल्लो बस। हाँ किसी की जिंदगी लेकर मैं अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहती मामा। ये एक दो तीन लाख रखिए आप अपनी जेब में, मुझे अपनी जान देकर भी अंजलि दीदी की जान बचानी पड़ी ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। प,
मैं उनको अभी जाकर सब कुछ बता दूंगी। नहीं 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 मैं उन्हें नहीं मरने दूंगी, उनकी शादी नहीं होने दूंगी, मैं 90 दिन में नहीं मरने दूंगी उन्हें। पल्लो पल्लो नहीं नहीं मरने दूंगी उन्हें। पल्लो नहीं नहीं मामा जी जी आप यहां क्या कर रहे हैं? ऐसे चोरों की तरह छुपकर क्यों आए हैं छत पर? चोरों की तरह? अरे अंजलि बेटा, मैं वो सो सिगरेट पीने ऊपर आ गया था। नीचे सारे बड़े लोग बैठे हुए ना, तो उनके सामने अब सिगरेट की बात तो नहीं कर सकता, तो सोचा चुपके से ऊपर आ गया। सोचा कि लाइट आएगी तो नीचे चले जाऊंगा। उसके पहले तुम आ गई चोरों की तरह। अंजलि अंजलि बिटिया, तू ऊपर क्यों आ गई? कुछ हुआ क्या? सब ठीक है ना? कुछ नहीं लाला जी, वो हमें ऐसा लगा कि हमने किसी को देखा है। पर यहां तो कोई नहीं है। चल आजा। दुल्हन अभी तक आई क्यों नहीं? मुहूर्त समाप्त होने में बस 15 मिनट ही रह गए हैं। अंजलि अभी आती होगी, हम जाके देखते हैं। अंजलि कहाँ है? अपने कमरे में गई है गोपाल जी को लेने। मैं उसे लेकर आती हूँ। हे गोपाल, आपको पता है ना, ये शादी रिचा के और हमारे अपने पिता यानी कि लाला जी के लिए कितनी जरूरी है। आप हमारे साथ आइए और इस शादी को बिना किसी अड़चन के संपन्न करवा दीजिए। अंजलि तू यहां क्या कर रही है? वहां सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो माई, हम गोपाल को लेने आए थे, आई रहे। चल चल। अरे
रसोई में क्या गड़बड़ घोटाला पका रही हो तुम लोग? ताई जी, हम ना करुणेश का इंतजार कर रहे हैं। वो आखिर पता तो चले कि हुआ क्या ऊपर। अंजलि छत पर गई थी ना, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई नहीं। कुछ नहीं से मतलब पल्लू? करुणेश, पल्लू कहाँ है? पल्लू, वो क्या पापा बोलो ना। मर गए पल्लू। मर गई? ऐसे कैसे मर गई? करुणेश भैया, पूरी बात बताओ, क्या हुआ? ये तो बहुत बड़ा बवंडर हो गया। अगर पल्लो की लाश को किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। करुणेश भैया, ऐसा करो, पल्लो की लाश को जल्दी से कहीं छुपा दो। छुपा दो? अरे आप लोगों को ऐसा लग रहा है किसी को मारना और किसी को लाश को छुपाना मेरे रोज का काम है? कुछ भी बोल रहे हैं। तुमने किसने कहा था उसे मारने को? प्रायता फैलाया है तो समेटना भी तुम्हें पड़ेगा। जाओ जाके पल्लू की लाश को ठिकाने लगाओ और शादी खत्म होने के पहले आ जाओ। चलो जल्दी यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ढूंढते ढूंढते लोग पल्लू की लाश के वहां पहुंच जाए। अरे अरे, जो कहा है ना वो करो, समझे? अरे अरे, मरवा दिया। मैं तो बुरा फंस गया है। हमारे साथ रहना गोपाल। बड़ी दादी, आप लोगों ने मिलकर क्या गड़बड़ किया अंधेरे में, अंधेरे में, अंधेरे में। अरे कहाँ जाए, कहीं पर तो थे। लगता है तुझे बनवारी की कुल्फी खाने के लिए पैसे नहीं चाहिए। जो इतने सवाल कर रहा है तू? हाँ हाँ, अब कहीं नहीं गए थे, अंधेरे में भी नहीं गए थे। मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। अब वर और वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनौ हरि। आप इतने टेंशन में क्यों हैं यश जी?
ये तो सिर्फ 90 दिन की बात है। 90 दिन खत्म, शादी खत्म। यश की कुंडली के अनुसार जो भी लड़की यश से शादी करेगी 90 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। 90 दिन, 90 दिन में यश की पहली पत्नी मर जाएगी। क्या हुआ? तुम्हें धक्का दिया था ना उसे, अब तुम जाकर संभालो। अग्नि को साक्षी मानकर तूने वचन दिया था कि मेरे हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ देगी, भूल गई क्या? चल बिहारी जी, छोड़ ना बुलवाए, किस आदमी से पाला पड़ा है? सांस आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही। अरे भागो, अरे भागो, इतनी ऊपर से गिरी सांस कहां से आएगी? अब ये बता इसका करना क्या है? ऐसे तो यहाँ नहीं छोड़ सकते ना। एक काम कर, तो इसका हाथ पकड़, मैं पैर पकड़ता हूँ इसके पहले कि कोई देख ले इसको, कहीं कोने में लेके चलते। खा के कितनी भारी हो गई है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कन्यादान कौन करेंगे? मैं और अलका, हम दोनों मिलकर कन्यादान करेंगे। अलका आओ। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। बिटिया अपना हाथ दो। बिटिया जी छूट ना बुलवाए, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया आपसे, और अब आप इस पाप का भागीदार मुझे भी बना रहे हैं। मेरा दिमाग पहले सटका हुआ है, दो बीच में तड़का मत लगा। अगर मुझे ताई जी, उमा जी जी और अलका दीदी का ये असली प्लान पहले ही पता होता ना, तो मैं इनसे 8-10 लाख रुपए ज्यादा वसूल कर लेता। तू अपना ये पाप वाप करो ना बंद कर, और मदद कर मेरी। कर तो रही हूँ। देखना फिर इस सारे झोल झपाले में चक्कर चलाऊंगा,
कि अगले महीने अपने स्कूटर बेचकर एक चार चक्के वाली गाड़ी ले लूंगा। हाँ ले मत कर। अरे कर तो रही हूँ, अब क्या मर जाऊं मैं? चार चक्के वाली गाड़ी लूंगा। अब आप मेरे लीजिए। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वचमि सत्यं वचमि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूजानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्वात्तात्। तेरी शादी का लहंगा हमने अपने हाथों से बनाया तेरे लिए। अच्छा पहनकर तो दिखा, हमें देखना है कैसा लगता है तुझ पर। अब तीन फेरों के लिए लड़की को आगे आना है। अब आप आगे आ जाइए बेटा। सर्वदो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। पता है कि यश अंजलि से सिर्फ 90 दिन के लिए शादी कर रहा है, पर पता नहीं फिर भी मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि यश मुझसे दूर जा रहा है। उमा, ये
इशारों इशारों में क्या बातें हो रही है तुम लोगों में? कुछ नहीं माँ जी, वो करुणेश को ना गर्मी की वजह से बेचैनी महसूस हो रही थी, तो अलका भाभी ने इसे रसोई में नींबू पानी दिया था, तो वही पूछ रही थी कि अब तबीयत ठीक है। जो भी लड़की यश से शादी करेगी 90 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। 90 दिन में यश की पहली पत्नी मर जाएगी। विधि संपन्न हुए, अब सिंदूर की रस्म होगी, आप बैठे। और अब कन्या को सिंदूर लगाएंगे, आप सिंदूर दीजिए। शादी संपन्न हुई। पल्लू, पल्लू, तू तू यहाँ इस हालत में इतनी छोड़ कैसे लग गए? क्या हुआ पल्लू? पल्लू
क्या हुआ? हेलो, अरे बताना क्या हुआ? हेलो हेलो बोलो बोलो इसे यहाँ तुरंत अस्पताल ले जाना करो नहीं जल्दी दवा मैं आया आया पल्लो की हालत देखकर मैंने हॉस्पिटल फोन कर दिया है एम्बुलेंस आती ही होगी आप लोग जल्दी चले जाइए सब इंतजाम हो गया होगा लेके जाओ जल्दी आशीर्वाद लीजिए शादी तो होगी किसी तरह लेकिन पल्लू को होश आ गया ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कामी एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि पल्लवी को देखकर तू भूत भूत क्यों बोल रही थी वो मैम पाल की खाल निकालना तो कोई तुझसे सीखे कितनी डरावनी लग रही थी बिल्कुल भूत जैसी इसलिए कामनी के मुंह से निकल गया ना बिहारी जी झूठ ना बुलवाए सोलानी सही कह रही है ताई जी और तो और उसके पैर भी टेढ़े हो गए थे इसीलिए मैं एकदम डर गई थी तू तो बस मगन होकर भजन कीर्तन में अपना ध्यान लगा यशवंती पता नहीं पल्लू को अस्पताल क्यों लेकर गए हैं अचानक क्या हो गया होगा उसे ऋचा दरवाजा खोल क्या कर रही है जल्दी खोलना दरवाजा क्या कर रही है ऋचा जल्दी खोलना हमारा काम पूरा हो गया ऋचा अब जो तेरा है तुझे सौंपने आए हैं पहिया समय का देखे ग्रहों की ये चाल जी होगा वही जो चाहे लड्डू गोपाल जी पहिया समय का देखे ग्रहों की ये चाल जी होगा वही जो चाहे लड्डू गोपाल जी पूर्ण होगी कामना या लगेगा ग्रहण पूछते हैं रातों से ये जागते नयन कुंडली मिलन
शादी तो हो गई, अब आप दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये दुपट्टा भी नहीं। दिल की जमीन पे कैसे पड़ने लगी दरारे, मन के आंगन में कैसे उठने लगी दीवारे। दिल की जमीन पे कैसे पड़ने लगी दरारे, मन के आंगन में कैसे उठने लगी दीवारे। पूछते हैं रातों से ये जागते नयन, पूर्ण होगी कामना या लगेगा ग्रहण। कुंडली मिलन, कुंडली मिलन, कुंडली मिलन, कुंडली मिलन। डॉक्टर कैसी है पल्लू? अभी पेशेंट कोमा में चली गई है। क्या डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगी ना? कोमा पेशेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ साल भी लग सकते हैं। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उनके सभी ऑर्गन सही हैं, इसलिए उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर आप अच्छे से अच्छा इलाज कीजिए। यू प्लीज कम विद मी, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। आइए। माई आप रो क्यों रही हो? 90 दिन की शादी में विदाई कौन सी असली है? माई बस हम क्यों गए और 90 दिन खत्म होते यूं आपके पास वापस आ जाएंगे? बहाने हमारी असली विदाई में रोने की प्रैक्टिस कर ली आपने? मैं तो तुझसे रोज मिलने आया करूंगी। हमसे या यशी से? वैसे आना तो पड़ेगा ही, इन 90 दिनों में तेरी शादी की तैयारियां जो करनी है। दिन बाद वापस आते हैं बहू जी। बेटियां जब ब्याह करके जाती हैं तो अपने साथ कितना कुछ लेकर जाती हैं। तू तो दुनिया में अकेली ऐसी बेटी है जो हमें इतना कुछ देकर जा रही है। तेरा ये कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। लाला जी ऐसी बातें तो परायों से की जाती है। अब तो हमारे पिता 10 समान है। हाँ बिटिया, आज एक पिता की तरह ही तुझे इस घर से विदा करेंगे।
सच है? क्या हम लाला जी की? हमें तो कह रही थी कि रोने की क्या जरूरत है, और खुद देखो कैसे रोई जा रही है। गोपाल जी हमेशा तेरे साथ है, चिंता मत कर। समझाया था मैंने पल्लू तुझे, लेकिन तू नहीं मानी। अगर मान जाती तो पैसा भी मिलता और जिंदगी भी, क्योंकि अब अपनी पोल खोलने के लिए तुझे जिंदा तो निर सकते ना पल्लू हम। वैसे बड़ी ढीठ है तू, छत से गिरकर भी नहीं मरी। फिर कोई बात नहीं, तेरी कुंडली में जैसे मरना लिखा है वैसे तो मरेगी। क्या करते रहते हैं आप लोग यहाँ? हैं? यहाँ पर थे नहीं? करुणेश, तुम क्या कर रहे हो इधर? मैं सोच रहा था इतनी सी लड़की कितना कष्ट भोग रही है। मैं भगवान से इसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि इसका शरीर अचानक झटके खाने लगा, तो मैंने नर्स को बुलाया। हाँ, सिस्टर क्या हुआ था यहाँ पे? सर एक्चुअली उनका ऑक्सीजन का पाइप हट गया था, मैंने बहुत अच्छी तरीके से उनको टाइट करके लगा दिया है, अभी टेंशन की कोई बात नहीं है। आप लोग जरा ध्यान रखिए, जरा सी लापरवाही से कुछ भी हो सकता है। जी सर, आगे से ऐसे नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। ध्यान रखिए आप इनका। जी तो सिर्फ एक अल्प विराम है, 90 दिन के ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं।
इसे तो पता ही नहीं कि इसके जीवन का अल्प विराम नहीं पूर्ण विराम है। अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर जा रही बेचारी राम नाम सत्य है। गोपाल कि आपने हमें याद दिला दिया, क्योंकि आप तो जानते हो ना हम आपके बिना तो रह ही नहीं सकते। जितने दिन वहां रहोगी खुश रहना। बैठो। के तेल से घुटनों की मसाज तो कर दे। जी ताई जी। बड़ा दर्द है घुटनों में। रुक जाइए। तू क्या आरती उतारेगी इस 90 दिनों के दुल्हन की? अरे जी जी, जब शादी विधि विधान से हुई है तो गृह प्रवेश भी तो पूरे विधि विधान से होना चाहिए ना। उमा आओ मेरे साथ, आ जाओ। लो आरती कर। अंजलि, इस कलश को घर के अंदर की तरफ गिरा के अंदर आ जाओ। चलो बेटा, तुम दोनों मंदिर में चलकर राधा गोपाल का आशीर्वाद ले लो। आओ आज। अरे जी झूठ ना बुलवाएं। चाची जी तो ऐसे कर रही हैं जैसे अंजलि इनकी परमानेंट बहू बन गई हो। अरे 90 दिन की शादी के लिए इतना सब कुछ करना जरूरी है क्या ताई जी? क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी अंजलि 90 दिन की मेहमान ठहरी। पूरे हो लेने दे अरमान। आधे अधूरे अरमान लेके मर गई ना तो भूत बन के हम ही तंग करेगी। तुम दोनों राधे माधव का आशीर्वाद ले लो। हे राधे माधव, अपनी कृपा बनाए रखो। राधा माधव जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि 90 दिनों में हम
अच्छी तरह से घर के सभी लोगों की सेवा कर सके। कर ले जितनी प्रार्थना करनी है, राधा माधव भी नहीं बचा पाएंगे तुझे हमारे प्रकोप से। 90 दिनों में 90,000 परीक्षाएं देनी होगी तुझे।